थोड़ी जानकारी लेना चाहता हूँ। जितने प्रश्नोत्तर कहे थे पीठिका के, उतने प्रश्नोत्तर हो गए हैं, ऐसे कितने विद्यार्थी हैं? मैंने कुछ विद्यार्थी को अनुभव नहीं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, यानी अनावश्यक मुझे विकल्प न हो और मैं भी निश्चिंत हो जाऊँ, आपका परिणाम भी पक्का रहे। शिविर के पहले पहले पीठिका सुनाना ही है, ऐसा जितने लोगों का संकल्प हो मैं उनको जानना चाहता हूँ। पीठिका सुनाना ही है, बराबर? अच्छा, ठीक है, हाथ नीचे करें। अब दूसरा प्रश्नोत्तर विभाग अपना मंद गति से जाता रहेगा, बराबर, और उसमें जो जो शंकाएं होगी अथवा पीठिका में भी समझने में जो शंकाएं होगी वो आप पूछ सकते हो। यहाँ एक जगह आया है कि प्रथमान योग के कारण जीव को पाप से डरकर पुण्य में प्रवृत्त किया जाता है, इसका अर्थ कैसा करना अभी मुझे पूछा गया। उसका भाव ये है, प्रथमान योग में अनेक कहानियाँ आती हैं, कहानी में मुख्य रूप से बताया जाता है इस जीव ने ऐसे ऐसा पाप किया, इस पाप के कारण से उसे नरक में जाना पड़ा, त्रिरंच में जाना पड़ा, बहुत दुख भोगना अनिवार्य हो गया। फिर वही जीव बदलता है, पुण्यमय परिणाम करता है और पुण्यमय परिणाम करने के कारण से स्वर्ग में जाता है, क्रम से मोक्ष मार्ग होता है और मोक्ष भी जाता है, ऐसा प्रथमान योग में आता है। इस कारण से वह धर्म सन्मुख होता है, पुण्यमय जीवन बनाना भी एक अपेक्षा से धर्म सन्मुख होना ही है। दूसरा आगे ऐसा आता है, यह कार्य करणानुयोग के अध्ययन से विशेषता रूप से होता है, ऐसा कुछ है ना, दृढ़ता पूर्वक होता है। इसका अर्थ क्या है? यानी पाप से डरने की बात, पुण्य में प्रवृत्त होने की बात, ये दोनों कार्य करणानुयोग के अध्ययन से दृढ़ता पूर्वक होते हैं, इसका भाव क्या है? उसका भाव ये है, बताओगे? बोलो। कर्णानियों में जो पुण्य पाप इत्यादि संयोग मिलते हैं उनके मूल कारणों को, किस कर्म के उदय से सब संयोग मिल रहे हैं, ये प्रतिकूलता अनुकूलता होने में किस कर्म का उदय निमित्त है, इस प्रकार व्यवस्थित कारण बताया जाता है, तो जीव किन कारणों से इन कर्मों का बंध होता है और किन परिणामों से इन कर्मों की निर्जरा होती है, यह सब जानकर इन कारणों में प्रवृत्त होता है। अच्छा अच्छा, बता, बहुत बढ़िया बता दिया। यानी प्रथमान योग में जो कारण कार्य व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही करणानुयोग दृढ़तापूर्वक बताता है। यानी प्रथमानुयोग में इतना बताया जाएगा वो जीव नरक में जाता है, करणानुयोग में बताया जाएगा उसे नरकायु का बंध होता है, नरक गति का बंध होता है, और नरक गति में जाने के बाद नरक का दुख इतने वर्षों तक भोगता है, और पुण्य करेगा तो स्वर्ग में जाता है, मनुष्य होता है तो पुण्यवान मनुष्य होता है, मोक्ष मार्गी बन जाता है। इस तरह कारण कार्य व्यवस्था करणानुयोग में दृढ़तापूर्वक बताई जाती है, इसलिए पाप से हटकर पुण्य में प्रवृत्ति विशेष रीति से होती है। अब सम्यमिथ्या की परिभाषा में क्षीणाक्षीण मद शक्ति वाले कोदो के समान ऐसा शब्द प्रयोग आया है, उसका अर्थ बताता हूँ। पहले कोदो नामक एक धान्य है, जैसे ये मेथी दाना होता है ना, मेथी, वो मेथी में कड़वाहट होती है, आप मेथी को पानी में डालो, रात भर पानी में रहने दो और सुबह मेथी को मसल करके जो पानी निकलेगा वो पानी पियोगे तो कड़वा कड़वा लगेगा, और मात्र मेथी खाओगे तो उसका कड़वापन निकल गया, बहुत कुछ वो कड़वापन उतना नहीं लगेगा। अथवा करेले की सब्जी बनाते समय में भी
अपने माता बहने क्या करती है, नमक डाल करके उसका कड़वापना निकाल देती है और उसी सब्जी में गुड़ वाता शक्कर डाल देते हैं। ये तो अत्यंत विपरीत काम है, माता बहनों को समझ में नहीं आता, उनको एक मीठा रस ही अधिक अनुकूल लगता है। लेकिन प्रकृति की व्यवस्था ये है, खाने में कड़वा रस भी आना चाहिए, इसलिए मेथी की सब्जी, मेथी दाना मेथी की सब्जी अथवा करेले की सब्जी खाने की व्यवस्था बुजुर्गों ने बनाई है, लेकिन उसका कड़वा पर निकाल देते हैं, यानी मूल जो उद्देश्य है उस उद्देश्य का ही नाश किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो आरोग्य शास्त्र की अपेक्षा से मैंने बात की, लेकिन यहाँ क्षीणाक्षीण मध्य शक्ति, मध्य यानी बेहोशीपना, यानी बेहोशीपना भी आता है इसमें, यानी जो कोदो का धान्य होता है वो कोदो को धान्य यदि खाएंगे पूरा का पूरा तो आदमी को मद होता है, बेहोशी आती है, और उसको धो लेंगे तो उसका मद शक्ति का रस कम होता है। उसी तरह मिथ्यात्व में मोह तीव्र होता है और सम्य मिथ्यात्व में मोह उतना तीव्र नहीं होता। मिथ्यात्व परिणाम अलग है, सम्य मिथ्यात्व परिणाम अलग है। मिथ्यात्व परिणाम पहले गुण स्थान में होता है और सम्यक मिथ्यात्व परिणाम तीसरे गुण स्थान में होता है। और पहले दिन परिभाषा बताते समय मैंने से खुलासा किया था, मिथ्यात्व में जो विपरीतता है उससे कम विपरीतता सम्यक मिथ्यात्व में है। सम्यक मिथ्यात्व में जो विपरीतता है, नहीं गलत बोला, मिथ्यात्व में जो विपरीतता है उससे साधन संयुक्त में कम विपरीतता है। साधन संयुक्त में जो विपरीतता है उससे सम्यक मिथ्यात्व में और कम विपरीतता है, और सम्यक मिथ्यात्व में जो विपरीतता है वो भी विपरीतता नष्ट होकर के सम्यक प्रकृति में सम्यकपना आ जाता है। चौथे स्थान में सम्यकपना आ जाता है। इसलिए सम्यक मिथ्यात्व में जो मध्य शक्ति है, विपरीत शक्ति है, वह क्षीणाक्षीण मध्य शक्ति वाले कोदो के समान है, ये बताया। अब हम क्रम से प्रश्नोत्तर देख रहे हैं और मैं आपसे कहता हूँ, अब कल के लिए आप अपनी मध्य कल्पना से कितना प्रश्नोत्तर तक कर पाओगे, आपको मैं 5 मिनट समय दूंगा, आप अपना विचार करके ये बता देना। कल हम पीठिका के इतने प्रश्नोत्तर करके आएंगे, आप पूछोगे तो मैं बता पाऊँगा, ऐसा जिनको जितना कहना है उतना वे कह सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना। प्रस्तावना में पीठिका में कितने पृष्ठ आप कर पाओगे उतना थोड़ा देख लेना। 12 प्रश्न का अपना हो गया था ना, 12 के आगे देखना, 13 नंबर का प्रश्न और उसका उत्तर थोड़ा दीर्घ है, बड़ा है, इसका 16 पेज, 17 पेज, 18 पेज, 3 पेज पे है। मैं चाहता हूँ 13 और 14 दो ही प्रश्नोत्तर कल के रहने, तो दो ही यानी अधिक विशाल है, इस अपेक्षा से दो ही प्रश्नोत्तर की तैयारी करके आना, यानी अपना क्रम इसी क्रम से चलता रहेगा तो 28 प्रश्नोत्तर सहज होंगे, हो जाएंगे। आज कुछ प्रश्नोत्तर तो छोटे छोटे हैं, बहुत सामान्य हैं, यहाँ 13वें नंबर का प्रश्न बड़ा है, उसका उत्तर भी विशाल है, वो भी देख लेना। 14 नंबर का प्रश्न थोड़ा बड़ा है, उत्तर सामान्य है। 13 और 14 दो ही प्रश्नों को आप तैयार करके आओगे तो आपका काम हो जाएगा। अब प्रश्नोत्तर विभाग में अपना जो काम चल रहा है, अध्ययन चल रहा है, तो कहाँ तक हो गया है? 38 तक हो गया है। अब मिथ्यात्व और शिरोमणि कर्म किसे कहते हैं,
ये विषय हो गया है। और मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, ये जो यहाँ यानी सम्यक रूपी चक्की में दले हुए कोदो के चावल कण, ऐसे तीन भेद होते हैं, इसका कथन मैंने जो आपके सामने रखा था वो विषय समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा भी कहूँगा, और समझ में आया हो तो बार बार उस विषय को क्यों कहें, कहने की आवश्यकता हो आप बोलोगे तो कहूँगा, आवश्यकता नहीं है ऐसा आपका अभिप्राय हो तो नहीं कहूँगा। बोलो। होता है ना, इसीलिए विपरीतता का अभाव हो जाता है। पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक सम्यक दर्शन होने अपेक्षा से ही कथन है, इसलिए पहले गुणस्थान में महान विपरीतता, दूसरे गुणस्थान में अल्प विपरीतता, तीसरे गुणस्थान में उससे भी अल्प विपरीतता, और चौथे गुणस्थान में विपरीतता का अभाव। बराबर है ना, पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से ही चारों गुणस्थान है। चौथे गुणस्थान में पांचवें में छठे में सातवें में सम्यक प्रवृत्ति का उदय होता है, इस कारण से चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं, वे दोष रहते हुए भी सम्यक में कुछ बाधा नहीं रहती, ऐसा है। आप थोड़ा ऐसा है, आपको अधिक आकुलता होती है तो बता ही देता हूँ। दर्शन मुनि के तीन भेद, उनमें से सम्य प्रकृति अंतिम भेद है। उस सम्य प्रकृति के भेद के कारण से सम्यक में चल मल अगाढ़ दोष उत्पन्न होते हैं, इन दोषों का यथार्थ ज्ञान केवल भगवान को ही होता है। केवल भगवान को छोड़कर इनका ज्ञान, यथार्थ ज्ञान अन्य सामान्य ज्ञानधारी जीवों को नहीं होता। तो कोई शिष्य पीछे पड़ा ने, कैसा बता दो, कैसा दो बता दो, बता दो, बता दो। फिर आचार्य ने सोचा ये बहुत पीछे पड़ा है तो थोड़ा सा बता दो, तो बताते हैं चल, चल दोष, यानी वृद्ध आदमी के हाथ में लाठी हो वो चलता है लाठी लेकर के, लेकिन लाठी ऐसी कपती है, ये चल दोष, ऐसा बता दिया। जो बहुत पीछे पड़ता है तो आचार्य भी परेशान होते हैं, अरे पूछ रहा है तो बता दो ना, ऐसा करके बता दिया। लेकिन ये वास्तविक नहीं है, दृष्टांत के माध्यम से बता दिया। मल, मल दोष, शांतिनाथ भगवान ही शांति करते हैं, पार्श्वनाथ भगवान ही रक्षा करते हैं, ये मल दोष, चल दोष, मल दोष और अगाढ़ दोष। अगाढ़ दोष में एक मिनट, चल मल अगाढ़ दोष में ये बताया जाता है, ये मेरा मंदिर है, ये मेरे भगवान है, जिस भगवान की प्रतिष्ठा के लिए पैसा दिया हो, जिस भगवान की विधि पर अपना नाम लिखा हो, उस भगवान को मूर्ख अपना मानता है। कि भगवान अपने होते हैं, पैसा देने से भगवान अपने होते हैं, नाम अपना होने से अपने भगवान होते हैं, लेकिन इस जीव को ऐसा राग होता है, इस राग का लाभ लेकर कुछ प्रतिष्ठाचार्य यहाँ तक भी समझाते हैं, देखो तुम्हारा नाम रहेगा, रोज तुम्हें इसी भगवान का प्रक्षाल करना है। अब प्रतिष्ठाचार्य भी समझते हैं समाज मूर्ख है, थोड़ा सा समझाना, प्रक्षाल कराना है, पूजन कराना है तो तुम अपनी मूर्ति को पूजा करो, प्रक्षाल करो, ऐसा समझाते हैं। ये चल मल अगाढ़ दोष इसी जाति के होते हैं, ऐसा अत्यंत स्थूल बुद्धि वालों को समझाया, ये दोष जो मैंने बताए आचार्यों के बताए कुछ ठीक नहीं है, बराबर नहीं है,
थोड़ा समझाने की अपेक्षा से इतना बता दिया। ये दोष सम्य प्रकृति नामक दर्शन मुनि कर्म के उदय के काल में होते हैं और होना ही चाहिए, ऐसा नियम नहीं है, हो सकते हैं, और उसका यथार्थ ज्ञान केवल भगवान को ही होता है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। सम्य प्रकृति दर्शन मुनि कर्म किसे कहते हैं? अभी आप ही उत्तर बोलो भाई, बोलो। कुछ ठीक नहीं हुआ, अच्छा होना चाहिए। फिर से बोलिए। बहुत अच्छा कहा। अब चल मल आगाड़ दोष उत्पन्न होते हैं। एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ, बहुत छोटा है, कदाचित पूछा हो तो मुझे मालूम नहीं, नहीं पूछा होगा। जो आठ कर्म हैं, आठ कर्मों में से सबसे दुष्ट कर्म कौन सा है? मोहनी। मोहनी में भी दुष्ट कौन है? दर्शन मुनि भी महादुष्ट कौन है? अच्छा, हो गया। अब मिथ्यात्व महादुष्ट है, जीव को अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण करा रहा है, तो महादुष्ट है, महादुष्ट है। ऐसा मिथ्यात्व कर्म, उसका नाश कब होता है? सबसे बाद में होता है या सबसे पहले होता है? तो मुझे समझ में नहीं आता। जो सबसे पहले नष्ट होता है, जो सबसे पहले अपना मुंह काला कर लेता है, वो सबसे बलवान कैसे होगा? जो सबसे पहले नष्ट होता है वो बलवान। अरे कबड्डी का खेल करते समय में भी इधर सात खिलाड़ी हो, इधर सात हो, खेलते होंगे, खेलते हैं, तो उनमें से सबसे पहला जो आउट होता है वो अच्छा खिलाड़ी आउट होता है या जो बर्बाद बाद होता है, खेलना आता ही नहीं, जा करके वहाँ घुस जाता है अंदर, पकड़ लेते हैं, आउट होता है, मर जाता है, तो वो बलवान खिलाड़ी होता है या मूर्ख होता है? बलहीन होता है या बलवान होता है? बोलो ना भाई, बलहीन। उसी तरह मिथ्यात्व कर्म का आजीव का युद्ध चालू होता है, युद्ध चालू होने के बाद सबसे पहले मिथ्यात्व आउट होता है, तो बलवान है या बलहीन है? लेकिन हम क्या कहते हैं, मिथ्यात्व बलवान है, बलवान है, बलवान है। अरे मूर्खों को समझाने के लिए, अथवा बलवान बनाने के लिए, जीव को बलवान बनाने के लिए ऐसा कथन किया है। एक नियम हमेशा समझना, जो कोई शत्रु को बलहीन मानता है वह कभी सफल नहीं हो सकता, विजय नहीं हो सकता। शत्रु बलहीन होने पर भी उसे बलवान मानकर ही अपना व्यवहार करना चाहिए। फिर से इसी वाक्य को बोलता हूँ, हमेशा के लिए शत्रु वो बलहीन हो बलवान हो, अपने से बलहीन हो तो भी, अपने से बलवान हो तो भी, उसे बलवान जानकर मानकर ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने इस जीव को, अज्ञानी जीव को, मूर्ख जीव को, नासमझ जीव को अधिक बलवान बनाने के लिए कहा। अरे मिथ्या तो बहुत बड़ा बलवान है, महाशत्रु है, अनंत संसार में वही रुलाता है। इस तरह मिथ्यात्व शत्रु को बलवान बना बता करके जीव को बलवान बनाने का प्रयास किया है। ये व्यवहार का कथन है,
और जो व्यवहार से कथन किया जाता है वह सत्य नहीं होता। तथापि हम लोगों को व्यवहार का कथन ही इतना सत्य लगने लगा कि आचार्यों का मूल अभिप्राय हम भूल ही गए और मिथ्यात्व ही बलवान हो गया। सही देखा जाए तो मिथ्यात्व सबसे बलहीन है, इसीलिए सबसे पहले जाता है। कुछ ख्याल में आ गया, समझ में आ गया? तो आया या नहीं आया बोलो ना भाई। हाँ देखो, समझ में नहीं आया हो और मैं कितना भी कथन करूं लाभ क्या है? और व्यवहार का कथन ऐसा ही होता है। दूसरा, अब चारित्र मोह में कहीं ऐसा वचन आया है आप बता पाओगे तो अच्छा होगा, लोभ बाप को बाप बखानो। कहाँ आया है? लोभ बाप को बाप, लोभ लोभ पाप को बाप बखानो, लोभ को पाप का बाप कहा। क्यों? लोभ सबसे अंत में दसवें गुण स्थान में नष्ट होता है, तब तक हिलता ही नहीं। देखो, क्रोध चला जाता है, अनंतानुबंधी क्रोध मान मायालोभ चले जाते हैं, अप्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ चले जाते हैं, प्रत्याख्यान क्रोध मान मायालोभ चले जाते हैं, संजन क्रोध चला जाता है, संजन मान वो भी चला जाता है, संजन माया भी नहीं रहती और लोभ बना रहता है। इसलिए लोभ पाप को बाप बखान, ये सूक्ष्म लोभ सबसे बलवान बताया गया है। क्यों? देखो भाई, मैं पूछता हूँ, जिनको उत्तर आता है सभी को बोलना है, सभी को बोलना है। क्रोध मान माया लोभ के जाति की अपेक्षा से कितने भेद हैं? चार। कौन कौन से? अनंतानुबंधी, इन चारों में से कौन से कषाय चौकड़ी, कौन से कषाय चौकड़ी अधिक बलवान है? अनंतानुबंधी। तो सबसे पहले कौन सी कषाय चौकड़ी चली जाती है? कैसी बात है, सबसे बलवान भी वही सबसे पहले बज जाता है। अरे ये भी यहाँ भी ऐसा ही है, जीव को अधिक बलशाली बनाने के लिए अनंतानुबंधी बलशाली है, ऐसा बताते जाते हैं। और सबसे पहला जाता है क्षायिक सम्यक उत्पन्न करने के लिए अनंतानुबंधी का नाश करना अनिवार्य हो जाता है। तो वे मर्म समझना, आपने जो पढ़ा है वो गलत पढ़ा ऐसा नहीं, व्यवहार से आपका पढ़ना सही है। कि मैं दोनों को कहूँगा ना, व्यवहार की अपेक्षा से क्या कथन है, निश्चय की अपेक्षा से क्या कथन है, व्यवहार की अपेक्षा से मिथ्यार्थ बलवान है ठीक है, अनंतानु बलवान बलवान है ये भी ठीक है, वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक ही मिथ्यार्थ बलवान होता तो पहले कैसे नष्ट होता? वास्तविक ही अनंतानुबंधी कैसे बलवान होता तो पहले कष्ट नष्ट कैसे होता? इसलिए ये हमें समझना है। जो छोटा सा प्रश्न पूछो, मिथ्यात्व नष्ट करने के लिए मुनि होना आवश्यक है या उतना आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। अच्छा, मिथ्यात्व को नष्ट करने के लिए मुनि होना ही चाहिए, आवश्यक नहीं है? अब उत्तर देते जाना, और बोलना नहीं बने तो मन में उत्तर तो तैयार रखना ही। अप्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी के नाश के लिए मुनि होना आवश्यक है या श्रावक अवस्था में भी नष्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा, श्रावक भी अनंतानुबंधी का नाश कर सकता है, श्रावक भी अप्रत्याख्यान का नाश कर सकता है, कितनी स्पष्ट बात है। लेकिन अब
प्रत्याख्यान का नाश करना हो तो मुनि होना आवश्यक है। तो स्वयं ही ख्याल में आ गया प्रत्याख्यान का शय बलवान है और संयोजन का शय चौकड़ी उससे भी अधिक बलवान है। भावलिंगी मुनि अवस्था में छठे सातवें स्थान में प्रत्याख्यान का शय का नाश होता है, संयोजन का नाश तो दसवें स्थान के अंतिम समय तक रहता है। श्रेणी का चढ़ना हो तो ही सूक्ष्म लोभ का नाश होता है, इसलिए संयोजन का शय चौकड़ी बलवान है। किनसे? अनंतानुबंधी से, अप्रत्याख्यान से, प्रत्याख्यान से भी। इतना ही नहीं, संयोजन क्रोध, संयोजन मान, संयोजन माया से भी संयोजन लोभ अधिक बलवान है। समझ में आ गए? समझ में आ रहा है? हाँ भाई, मैं वहाँ बैठने के लिए मना इसलिए करता हूँ, वहाँ बैठ करके आराम करते हो, अध्ययन करते हो तो हमें दिक्कत नहीं, उसकी पैरों में तकलीफ है उसकी बात अलग है। अन्य जो बैठते हैं ना, वे आराम के लिए बैठते हैं, आराम बड़ी चीज़ है, उसके लिए वहाँ बैठना की निषेध है। आप आओगे और घूमते रहोगे किताब लेकर के तो मुझे मना नहीं, यहीं बैठना चाहिए, यह आवश्यक नहीं, लेकिन अध्ययन में समय लगाओ। देखो ये उम्र आपकी ऐसी है, इस उम्र में आप समय गप लगाते बर्बाद कर सकते हो, अध्ययन करते हुए उस समय का उपयोग भी कर सकते हो, इसलिए हम कहते हैं अन्य कोई कारण नहीं। हाँ राजा, कितनी उपस्थिति, कौन है कौन है? देखो देखो देखो, बोलो। कौन से चौकड़ी का? प्रत्याख्यान कषाय चौकड़ी का नाश हो जाता है, फिर स्वर्ग गमन करते हैं तो उनका चतुर्थ गुण स्थान हो जाता है, मतलब अनंतानुबंधी दो कषाय चौकड़ी का उदय आ गया और एक कषाय चौकड़ी का नाश हुआ, तो मतलब जिसका नाश हो गया है उसका पुनः उदय आ सकता है। बैठिए सभी है? बस बाकी सब है। अच्छा, इनका प्रश्न ऐसा है, जिस कषाय चौकड़ी का नाश हो गया है वो कषाय चौकड़ी दोबारा आती है क्या? उसका उत्तर बहुत गंभीर है। क्या उत्तर है? मात्र उदय नाश होता है तो वो दोबारा आ सकता है, सत्ता में से नाश होता है उसका दोबारा उदय नहीं आता। नाश दो प्रकार का, एक उदय नाश, एक सत्ता में से नाश। फिर से, उदय नाश अलग है, सत्ता में से नाश अलग है। इस संबंध में कथन थोड़ा क्रम से आएगा, उस समय अधिक विस्तार के साथ करूँगा, अभी तो इतना ही समझो। उदय नाश होता है तो दोबारा आ सकता है, सत्ता में से नाश होता है तो दोबारा नहीं आता। तो उदय का नाश कब होता है, सत्ता का नाश कब होता है, ये क्रम से आएगा। हाँ भाई बोलो। अनंत आनंद का उपशम होता है, औपशमिक संयुक्त में अनंत आनंद का नियम से उपशम ही होता है। बोलो। औपशमिक संयुक्त और क्षायिक संयुक्त समान 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 निर्मल है। फिर से बोलता हूँ, औपशमिक संयुक्त और क्षायिक संयुक्त दोनों समान समान निर्मल हैं। आप पूछोगे क्यों? अरे भाई, क्षायिक संयुक्त में जिस तरह मिथ्यात् का नाश हो गया है, पूरा अभाव हो गया है, उसी तरह समझना औपशमिक संयुक्त में भी उतने काल तक मिथ्यात् का अभाव हो गया है, अंतर्मूर्तक मिथ्यात् का अभाव हो गया है, इसलिए प्रकट संयुक्त दोनों का समान समान निर्मल है। अभी इतना समझो, बाद में और खुलासा आएगा। देखो बाद में और खुलासा आएगा, बताता हूँ ना, इसका अर्थ मुझे अब बताना नहीं आता ऐसा नहीं, उसको बताते जाऊँगा तो क्रम का विषय छूट जाता है। इसलिए
और पढ़ाने की पद्धति आप ख्याल में रखो, जिस क्रम से पढ़ाते हो ना, पढ़ाओगे उसी क्रम से पढ़ाना। कोई प्रश्न पूछता है तो सब अपना विषय छोड़ करके उसको बताते रहोगे तो काम नहीं चलता। हाँ भाई, अब अपना कौन सा चल रहा है, कौन सा प्रश्न चल रहा है, कौन सा? सम्यक मिथ्यात्व दर्शन मौनी कर्म किसे कहते हैं, ये हो गया। बोलिए 38 नंबर का प्रश्न का उत्तर बोलिए, प्रक्षालित बोलिए। अब आगे का प्रश्न, सम्यक प्रकृति दर्शन मौनी कर्म किसे कहते हैं? तीनों भेद मिथ्यात्व के हैं, अर्थात दर्शन मौनी के हैं, मिथ्यात्व के टुकड़े हो गए हैं। अब क्षावोपशमिक सम्यक्त्व में बोलिए, क्षावोपशमिक सम्यक्त्व में चल मल अगाढ़ दोषों के उत्पन्न होने में निमित्त होने वाले कर्म को सम्य प्रकृति दर्शन मौनी कर्म कहते हैं। अब बोलिए आप, और एक बार कहोगे, बोलिए। सैंतीस 38 और 39 जो है ना, मैं 5 मिनट का आपको समय देता हूँ। 5 मिनट के समय में आपको तीनों परिभाषाएं मुझे सुनाना है। मन में बोलो, जोर से बोलो, मन चिंतन करके बोलो, मुझे बता दो। राजा ग्रंथ पे ऐसा हाथ नहीं रखना, ऐसा हाथ नहीं रखना। बोलो, समय मिथ्यात्व फिर से बोलो। हाँ, मद शक्ति वाले अच्छा, बढ़िया बढ़िया। अब सब मिलकर एक बार बोलिए तीनों।
समझ में भी आ गया, बहुभागी आदि भी हो गया। अब प्रकरण बदलता है, बोलिए। अब बताए ना, अभी चलने वृद्ध आदमी के हाथ में चलायमान होता है, लाठी चलायमान होती है, उस तरह चल, शांतिनाथ भगवान शांति देंगे। ये मल और अगाढ़, ये मेरे भगवान हैं, मेरे प्रतिष्ठा की है। मल चल, मल अगाढ़, अगाढ़ दोष ऐसे। हाँ भाई, अब विषय बदलता है, बोलो। भाव सर्वज्ञ होने के बाद ही ख्याल में आएगा। नहीं नहीं, वास्तव मजाक नहीं करता, वास्तव कैसा है, यानी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ही स्पष्ट होते हैं, ऐसे दोष हैं, ऐसे दोष है, क्या करें। उसका उतना खुलासा न आचार्य को हो गया है, न मुझे हुआ है, शास्त्र में नहीं आया, इसलिए हम भी बता नहीं सकते। हाँ भाई, अब विषय बदलता है। दर्शन मुनि के स्थान पर चारित्र मुनि का प्रकरण चालू होता है। चारित्र मुनि कर्म में ही अब यहाँ पूछा गया है, चारित्र मुनि कर्म किसे कहते हैं। हाँ भाई, मैं बोलता हूँ यहाँ से, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में आत्मस्थिरता रूप चारित्र की अप्रकटता में निमित्त होने वाले कर्म को चारित्र मुनि कर्म कहते हैं। थोड़ा संक्षेप में, आत्मस्थिरता रूप चारित्र की अप्रकटता में निमित्त होने वाले कर्म को चारित्र मुनि कर्म कहते हैं। और बोलो भाई, इतना ही मैंने बताया, बाद में और एक बार। देखो, मूल बात हमें समझना, आत्मस्थिरता ही चारित्र है। 28 मूल गुणों का पालन करना, श्रावक के 12 व्रतों का पालन करना, इसे चारित्र नहीं कहते, व्यवहार चरित्र कहते हैं, पुण्यमय आचरण है। मूल चारित्र आत्मस्थिरता, आत्ममग्नता, इसे छोड़कर दूसरा चारित्र नहीं। तो यहाँ क्या कहते हैं, आत्मस्वरूप चारित्र की अप्रकटता में, प्रकट न होने में निमित्त होने वाले कर्म को चारित्र मुनि कर्म कहते हैं। इतना ही विषय आप दो बार बोलिए देख करके, तीसरी बार देखे बिना बोलिए, बोलिए। अब आत्मस्थिरता के पहले जो है उसे भी बोलो, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, बस बस, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक, ना सम्यक ज्ञान पूर्वक राग द्वेष की निवृत्ति में, जिसमें राग द्वेष नहीं है, ऐसा आत्मस्थिरता रूप चारित्र, उसमें बाधक जो कर्म है उसे चारित्र मुनि कर्म कहते हैं। अब पूरी परिभाषा बोलिए, और एक बार। आगे का विषय बहुत सुलभ है, अति सुलभ है, आप बोलोगे तो समझ में आएगा। इसलिए 41 नंबर का प्रश्न भी आपको बोलना है और उसका उत्तर भी बोलना है, बोलिए। दो वेद हैं, कसाई और
चातुर्मुनि कर्म के जो यहाँ 25 भेद बताए हैं बहुत सुलभ है। अनंतान मंदिर चार, अप्रत्याख्यानावरण चार, देखो ऐसा कभी नहीं बोलना अप्रत्याख्यान चार, ऐसा नहीं बोलना, अनंतानुबंधित चार, अप्रत्याख्यानावरण चार, प्रत्याख्यानावरण चार और संजलनावरण चार। संजलावरण बोलना, संजलन चार, आवरण नहीं बोलना। अनंतानुबंधी के लिए आवरण नहीं बोलना, संजलन के लिए आवरण नहीं बोलना। और चांडाल चौकड़ी जो है ना, ये चांडाल है, उनकी चौकड़ी है ये। समाज में कभी कभी ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, गांव में होते हैं, समाज में होते हैं, सभी को परेशान करते हैं। ये आतंकवादी चांडाल चौकड़ी है, बहुत दुष्ट होते हैं। तो मुझे तो आश्चर्य खेद भी होता है, मानव बम जो बनते हैं ना, उनको तो पैसा मिलता है। समझ लो मोदी को किसी दुष्ट आदमी के मन में आ गया मोदी को नष्ट करना है, तो मोदी से मिलने जाएगा आदमी, वो महिला अथवा पुरुष, और अपने कमर पर टाइम बॉम्ब बांधेगा और समीप जाएगा और उसको ऑर्डर देगा अथवा बटन दबाएगा अपने कमर में ही, स्वयं भी मर जाएगा, सामने वाले को मार डालेगा। इसे बोलते टाइम बम, मानव बम। मानव बम वो मर ही जाता है, और कुछ बम ऐसे होते हैं दूर रखा जाएगा, खाद्य भंडार में रखा गया और यहाँ से रिमोट से दबा दिया और वहाँ रहने वाले सभी मरते हैं। किसको एक को मारना ऐसा नहीं है, अनेकों को मार डालना है, मरने दो। मंदिर में अनेक लोग आते हैं ना, मरने दो। फलाने जगह समारोह में है ना, मरने दो। जयपुर स्टेशन को उड़ा देना, स्टेशन पे हजार लोग होते हैं, स्टेशन पे रखेंगे तो मरते हैं। किसी विशिष्ट व्यक्ति को मारने का परिणाम और किसी को भी, लेकिन अनेकों को मारना, ये अनंतानुबंधी कषाय है। अनेकों को मार डालना, ये अनंत अनंत का अनुबंध करने वाले, मिथ्या के साथ साथ बांधना वाले, बंधने वाला, वो अनंतानुबंधी कषाय होता है। मिथ्या के साथ साथ बंधता है, किसी एक को मारना ऐसा नहीं है, अनेक लोगों को, खास करके हिंदुओं को मारना, खास कर मुस्लिम को मारना, क्रिश्चियन को मारना, ऐसा जो परिणाम होता है वो अनंतानुबंधी कषाय परिणाम होता है। इस परिणाम से उस दुष्ट जीव को बहुत पाप परिणाम होता है, उसे पाप पुण्य का पता ही नहीं ना, उसे तो यानी मचाना है, यानी ऐसा कुछ मचाना है समाज में कि मैंने अनेक लोगों को मार डाला, एक साथ मार डाला। और कुछ संगठन ऐसे हैं, हाँ हमने वहाँ बॉम्ब रखा है, बॉम्ब रखा था, हमने मार डाला, क्या करना करो, ऐसा बोलते हैं, इतनी दुष्टता होती है। उसी तरह अनंतानंद कषाय है, इतना दुष्ट परिणाम है। वो कषायों के चार जाति है, अनंतानंद कषाय चौकड़ी, अप्रत्याख्यानारण कषाय चौकड़ी, प्रत्याख्यानारण कषाय चौकड़ी, संजन कषाय चौकड़ी। इनके बाद नौ कषाय विशाल, इधर देखना विशाल, उधर नहीं मुझे देखना, मुझे पढ़ने वाला विद्यार्थी मुझे छोड़कर इधर उधर देखता है तो मुझे तकलीफ होती है। हाँ भाई, चार कषाय चौकड़ी, फिर नौ नौ कषाय, जिस परिणाम में कषाय के समान तीव्रता नहीं वो नौ कषाय, फिर से जिस परिणाम में कषाय के समान तीव्रता नहीं अल्प तीव्रता है वो नौ कषाय, हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री भेद पुरुषेत नपुंसक भेद। और इनकी भी चार चार जाति, समझना बराबर। अनंतानुबंधी कषाय के साथ हास्यादि होते हैं,
वे तीव्र होते हैं। अप्रत्यय खानारोहण के साथ जो हर्षादि होते हैं वे उससे मंद होते हैं, प्रत्यय खानारोहण के साथ जो होते हैं वे उससे भी मंद होते हैं, और संज्वलन कषाय के साथ जो हर्षादि होते हैं वे अति मंद होते हैं। देखो मुझे बता दो, हम आप जैसा हंसते हैं मैं भी हंसता हूँ, आप भी हंसते होंगे, हंसते हो, लेकिन वैसा का वैसा मुनिराज हंसते हैं, हंसेंगे या नहीं हंसेंगे? वैसा नहीं हंसेंगे। मुझे स्मरण है मैं जब अपने गांव में चौथी पांचवी में पढ़ता था, दो विद्यार्थी ऐसे थे हमारे कक्षा में जो बहुत हंसाते थे, इतना हंसाते थे उनके सामने बैठने के बाद पेट दुखने लगता था हंसते हंसते। पेट ही दुखने लगता था, फिर क्या करते थे उसको भगा देते थे, अथवा हम स्वयं भगते थे, इसके सामने नहीं बैठना भाई, इतना हंसाता है कि पेट दुखने लगता है, क्या करें, यानी अन्न तो हजम होता ही है, पेट दुखने लगता है। ऐसा जो हास्य है वह हास्य अनंतानुबंधी कषाय जन्य है, अनंतानुबंधी कषाय के साथ ही ऐसा हास्य होता है, उससे मर्यादित का हास्य अप्रत्याख्यान में होता है, उससे भी मर्यादित प्रत्याख्यान के उदय में होता है, और मुन्ना जी के जीवन में भी हास्य तो होता है, वे हंसेंगे तो मुख मुद्रा हास्य रूप दिखेगी, मुख मुद्रा हास्य रूप दिखेगी, दांत में कदाचित दिखेंगे नहीं दिखेंगे, मात्र मुद्रा के ऊपर हास्य प्रकट हो गया, इतना ही और कुछ नहीं। ऐसे प्रकट अलग अलग नौ कषाय होती है। देखो मैं आपसे वास्तविक बोलता हूँ, करुणानियों का अध्ययन करोगे तो आपको तत्व की सूक्ष्मता गंभीरता बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। मुझे अब तक तो कक्षा में बहुत खुशी है, अध्ययन अच्छा कर रहे हो और करोगे ही, ऐसा मुझे लग रहा है। सब समय पे आते हो, याद करके सुनाते हो, समझते हो, अच्छी बात है। एक दिन ऐसा भी कर सकते हैं हम, शिविर के पहले दो तीन दिन में ही कुछ किताब बंद रखेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, कौन किसकी परिभाषा कितना समझाता है वो देख लेंगे। मुझे भ्रम भी न हो ना, नहीं आपको कुछ याद ही न हो और मैं समझ रहा हूँ, बहुत अच्छे विद्यार्थी, बहुत अच्छे विद्यार्थी, और कुछ है ही नहीं, ऐसा न हो। इसलिए एक दिन ऐसा आएगा तीन चार दिन में ही, मैं बताऊंगा भी नहीं, कक्षा में आने के बाद बताऊंगा, आज ये प्रोग्राम होगा, मात्र पूछने पूछने का होगा। इसलिए आपको सभी प्रश्नोत्तर पीठिका तैयार ही रखना है। अभी अपने प्रश्नोत्तर कहाँ तक हो गए, कि आज कितने हो गए, नए कितने हो गए, तीन हो गए ना, तीनों को आपको तैयार रखना भी बहुत सुलभ है। समय मिथ्यात किसे कहते हैं, समय पूर्ति किसे कहते हैं, चार्त मुनि कर्म किसे कहते हैं, तीन ही तो हो गए, तैयार रखना है। और चार्त मुनि के भेद ये भी सुलभ है, ये भी हो गया, उसमें कठिन कुछ है ही नहीं, चार 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 16 और 9 नाम याद करना है, चार हो गए हैं। और कल के लिए दो ही प्रश्नोत्तर हो गए पीठिका के, और ये चार हो गए, इसको तैयारी करके आना। और जो कोई विद्यार्थी आते ही मुझे कहेगा सुनो मुझसे, मैं सब सुनाऊंगा, चारों परिभाषाएं मैं सुनाऊंगा, ऐसा जो बहुत बलपूर्वक कहेगा उनसे मैं कल सुनूंगा भी। और पीठिका देख लेते आगे पीछे, अब जा सकते हो। 2400 भगवान की जय। किताब अपने अपने साथ ले जाते हो ना?